जिंदगी वही जीते हैं जो चाय पीते हैं। क्या बात है, फोकस करो इधर भी मारना। किधर? क्या बात है, क्या बात है, अली, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये क्या लिखा है? अली और टी से पता नहीं कौन बन जाता है, पता नहीं क्या सिस्टम है यार, मुझे भी नहीं पता। क्या रखी है आपने? मैं भी ये काम करूँ? ये देखो क्या बात है, अरे एक और काम करूँ मैं, ये देखो। आए हाय 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 एंड क्या ए एन लिखा है ना, ए एन एम नहीं 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 सॉरी 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 ए एम था। क्या बात है, और एक और काम, ये देखो एम आर एम, क्या बात है यार। ये किसी बात ही है, अब एक और काम करो। हाँ हाँ करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम लोग मिले गए होंगे। तो अल्लाह का नाम लेके करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। यार कोई गिला शिकवा ना करना, मुझे बता कि मैं बहुत लेट वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, बट यार आजकल ना मसरूफियात कुछ ऐसी बनी हुई है, ये फिर शुरू हो गया। यार ऐसे बंदे ने बात नहीं आना, मैं जब जब वीडियो बनाने लगता हूँ ये पीछे से अपनी वो मशीन लेके शुरू हो गया, पता नहीं ये क्या काम करा रहे क्या काम नहीं करा रहे। आधा घंटा लिटरली मुझे यहाँ पे खड़े हुए हो गया और ये आवाज़ एक से दो मिनट बाद शुरू हो जाती है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर्दियाँ चल रही हैं, कुछ दिन सर्दियों के गुजर गए हैं, कुछ रह गए हैं, वो भी गुजर जाएंगे और फेब शुरू हो चुके हैं। और तुम लोग ये सोचोगे कि यार ये तो जब से उम्र पे गया उसके बाद से इसको पता नहीं क्या हो गया, बट यार क्या कर सकते हैं, जिंदगी के साथ साथ ही ऐसा रहा कुछ। इस दफा सर्दियों में भी सारा वीडियोस वगैरह हमने नहीं बनाई, इस जगह पे कहीं पे काम हो रहा है और इस बंदे ने मेरा जीना हराम किया हुआ था। अभी आपके सामने इंट्रो खत्म किया है, शोर खत्म हो गया, अगर इसके बाद मैं एक और ट्राई करता हूँ फिर इस शोर ने शुरू हो जाना है। ये गिले शिकवे तो जिंदगी के साथ चलते रहेंगे, और मौसम भी अगर आजकल आए तो भाई जान मौसम बड़ा बेईमान हुआ है। बेईमान कैसे हुआ है, सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो गर्मा गर्म धूप होती है, उसके बाद एकदम ऐसी ठंड पड़ती है, ऐसी ठंड पड़ती है कि बंदा परेशान हो जाता है, इतनी ठंड आ कहाँ से गई है। तो नाजरीन ग्रामी, काफ़ी देर हो गई है कि भाई ने आप लोगों को अपने कमरे के हालात नहीं दिखाए, तो सबसे पहले आप इस शीशे पे गौर फरमाएं, ये वही शीशा है जिसको हमने आईफोन 14 प्रो मैक्स की वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल में लिया था, और ये तब से ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है। मम्मा मुझे रोज कहती हैं इसको साफ करते, और मैं रोज ही कहता हूँ अच्छा कर देता हूँ, क्योंकि इसने साफ होना ब्रेक ऑयल से, और वो जरा काम थोड़ा लंबा है, तो हम कहते हैं कि अब जाके कौन ब्रेक ऑयल निकाल ले साफ करे, खैर इसको मैं कर दूंगा साफ, तुमसे ना हो पाएगा। बाकी चीज़ों की तरफ गौर फरमाएं अगर आप, तो थोड़ी चेंजिंग हुई है, यहाँ पे कपड़े हमने नीचे शिफ्ट कर दिए अपने, क्योंकि सर्दी है आपको पता है, फिर बार बार उठ के जाना पड़ता है, और अपना स्कूटर आ गया है, ये तो ब्रश पड़े हुए हैं माय लव, इस पर भी गौर ना करना, और बाकी ये कुछ शूज वगैरह पड़े हुए हैं, बाकी वही पुरानी चीजें, बस थोड़ा बहुत फर्क है। वो फर्क ये है कि यहाँ पे पहले थोड़ा टच काम था, अभी जरा यहाँ पे जगह भरी भरी लग रही है, बाहर ही आपको माइक्रोवेव का डब्बा नजर आ रहा है, बट इसके अंदर सामान कुछ और ही पड़ा हुआ है। और इस चीज की तरफ अगर आप गौर फरमाएं, काफी देर हो गई मामा मुझे कह रही है इसको सही करा ले, लेकिन हमने कहा कि कौन जाए और कौन आए, हमने इसका हल निकाल दिया होगा। काफी मुद्दों के बाद मैंने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दी है, शोर की बात बहुत आ जाएगी, क्योंकि हमारी रोड ऐसी है कि यहाँ पे रात को इतना शोर होता है, तो सुबह को उसी हिसाब लगाने क्या आलम होगा। और अभी हम सुबह सुबह के टाइम इस्माइल भाई की दुकान में मौजूद है, भाई जान अस्सलाम वालेकुम, शुक्र अदा कर, मैंने कहा बड़े दिन हो गए आपकी ज़ियारत नहीं की। आप टॉप करना चाहते हैं मेरे से? सुबह की चाय इस्माइल भाई के साथ पी के हम निकलेंगे यहाँ, चाय वगैरह हमने पी ली है। ओके इस्माइल भाई, तो अभी मैं मौजूद हूँ मुआज़ भाई के हॉस्टल में, अब ये ना कहना मुआज़ भाई कौन है, तो भाई चल मुआज़ भाई ये है, सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, ये दोबारा उतर गए, मेहनत हो रही है, क्या बात है। और मुआज़ भाई कैसी तबीयत है? इतनी जल्दी कैसे सर? आज जादू है। जादू कैसे हो गया? जादू ऐसे हुआ है कि मैं रात को जब यहाँ से गया हूँ, मैं जाते साथ सो गया हूँ, सुबह अंदाजा लगाओ भाई कितने बजे उठा होगा? उठा होगा पूरे 6:30 बजे फ्रेश होके बैठा हुआ था मैं। मैंने वो कल क्या कहा था, सोना नहीं है, एक ही दफा सोना है। मुआज़ भाई ने भी तैयारियां पकड़ ली हैं और तैयार हो चुके हैं, और बाकी हमारे जो अंदर के टीम मेंबर्स हैं उनका फोन है, वो कह रहे हैं कि भाई चाहे नाश्ता करना है, हमने कुछ नहीं किया हुआ नाश्ता, वैसे मैंने भी कुछ नहीं किया, बस चाय पी थी, वो भी आप लोगों के सामने ही पी थी, हर चीज को तुम लोग देख रहे हो, फिर भी यार तुम लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, हद नहीं होगी वैसे। यहाँ पे मुआज़ भाई शूज साफ करने लग गए हैं, जल्दी से शूज साफ करो, फिर वो लोग बेचारे बाहर ही खड़े हुए हैं, बाहर आ गए हैं। और जैसा कि आप लोगों को नहीं पता कि हमारे मुआज़ भाई जो हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस बंदे हैं, तो इन्होंने आजकल नई एक टेक्निक शुरू की हुई है कि खाली पेट गाजर का जूस पीना। जिंदगी में टच जरूरी है बहुत। बाकी सारे लोग आ गए थे लेकिन एक ये बंदा था जो कि नहीं आया था, और ये भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम,
अल्लाह का शुक्र जेनियन भाई आप सुने। उमर भाई कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद हो रहे हैं यार, दिल्ली नहीं करता यूनिवर्सिटी आने का, आपको पता फिर क्या बात, प्यारा कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे सारे आ गए लेकिन इनका ये डिसाइड नहीं हो रहा नाश्ता कहाँ से करना है। ये हमारे मसीहा भी आ गए हैं, लेट हो गए थे थोड़ा। ये पीछे जो ये दूसरे नंबर पे है ना, ये मसीहा है। पिछले आधे घंटे 45 मिनट से इन लोगों से डिसाइड नहीं हुआ इन्होंने नाश्ता कहाँ से करना है, और अब जाके हमने तय पाया कि क्लास के बाद नाश्ता करेंगे क्योंकि क्लास का टाइम होने वाला है। अभी प्री नाश्ता यहाँ पे हो रहा है क्योंकि जेनियन भाई को भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। ये हमारी क्लास है और यहाँ पे जिन्हें दो की बातें हो रही हैं, इन्होंने टिकटें अपनी जेब में रखी हुई है। क्लास क्लोज हमने ले ली है, मसीहा आ चुके हैं। किधर थे आप? मैं यार सो रहा था नहीं भाई। अच्छा आपको पता है एक बार पूछनी है ना, नहा गया क्यों आया? पानी जाएगी है मर्दी वाली बात। क्या मैं नहा के नहीं आया? अल्हम्दुलिल्लाह कल जुम्मा था, आप लोगों को पता है, तब भी नहा लिए थे हम। तू भी प्यारा आ रहा है यार, हम तो है ही प्यारे ना, लेकिन मैं बता कर रहा था यार, जब से हमने यूनिवर्सिटी आना शुरू की है तकरीबन कह लो कि ज्यादातर एक दिन का गैप आता है, लेकिन हर दूसरे या तीसरे दिन हमने पिज्जा ऑनलाइन जाना होता है। तो आज द वन एंड ओनली ग्रेट मसीहा के कहने पे आज हमने जगह चेंज की है, जा रहे हैं कैलिफोर्निया। आपने कोई नई स्कीम ढूंढी है? 60% ऑफ की स्कीम ढूंढी है अली भाई के कार्ड पे, जो कार्ड अली भाई के पास है। क्या बात, कौन सा प्लेटिनम होता है। बाकी सरों को मैंने ये भी बुला लिया है, अब सब आएंगे, हम निकलेंगे और पहुंचेंगे। बाकी धूप बहुत तेज हो गई है यार, गर्मी फुल टाइम ऑन है। फाइनली कैलिफोर्निया पहुंच चुके हैं जेनियन ने और मिस्टर मुआज तारिक। यस आई एम हियर। इन लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया। अरे यार मेरा दोस्त बाबा नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनको भूख जरूरत से ज्यादा लगी होती है और ये आके बैठ जाते हैं। चेक करें कैसे आज सोफे के साथ ट्रेनिंग करके आया है। क्या बात है, मुझे पता मसीह का दिल बहुत खुला है। मुआज भैया को पता है बिल आज ये दे रहे। अच्छा मुझे लगा दिल इसका और भी बहुत खुला है। 200 साल बाद जाके पिज्जा आ गया और कार्ड हमारा घर रह गया था। What? जिसकी वजह से हमें कैश पेमेंट करनी पड़ी है। Heavy यार। और ये पाकिस्तानी आवाम जैसा कि आप लोगों को पता है फेंकना बनाई हो, इनको खाना हजम नहीं होता। पिज्जा खा ली है और एक दफा फिर से जिंदगी ने हमारे साथ प्रैंक की है। लेकिन आज हमने एक चीज पक्की कर ली है, अपने आप को पक्का कर लिया एक चीज पे हमने, कि जहाँ मसीहा केगा वहाँ पे नहीं जाना। जाना ही नहीं सर, पहले कार्ड के साथ, कार्ड के साथ भी बर्थ डेट नहीं था। मुआज भाई क्या कहोगे आप, नहीं था नहीं था सीधी सी बात है, प्रैंक हो गया, प्रैंक हो गया। पहले कार्ड, हाँ पहले यार चलो मैं तो हूँ, मुझे तो ये कहा था मसीहा तारीफ कर रहा है। ओके कार्ड वाले में, कार्ड वाले हाँ वो तो मेरे साथ हुआ प्रैंक, लेकिन यार मैंने इसे बताया ना, इनका वो खाया था मैंने बताया, तो हमने सिंगल वाला नहीं होता अभी, उन्होंने हरकत कर देनी थी, ऑफ कर क्यों नहीं है, इंग्रीडियंट्स काम कर देने। रोटी वगैरह खा के हम वापस आ गए हैं और जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये एक जेनियन भाई और ये क्या हो रहा है ए रंगे हाथों पकड़े गए हो, रेड हैंडेड है, अब जब तक आगे कोई क्लास वगैरह नहीं होती या कुछ नहीं होता यहाँ पे, ये लोग थोड़ी देर सोएंगे और भाई यहाँ पे सोएगा, बाकी जिसका हॉस्टल है वो यहाँ पे, वो उसका कोई अता पता नहीं है, वो दोनों भाई है। अब यहाँ पे ये सारी जगह हमारा राज है। मस्ताना हुआ तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने का मुझको कौन है ये लोग, मिलना पड़ेगा अब जमाना हुआ। तो एक दफा फिर से हम यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और आप कह रहे होंगे ये क्या हो गया, तो यार हमने फ्रेश अपने पर इन्वेस्टमेंट की है। ये हस्ती है, इनको हमने दुबई से बोर्ड की है। ये एक मॉडल है और ये वाकई मॉडल है। वजिया कैसी हैं आप? आपने वैसे मास्क पहना हुआ है, ये देखो चीटिंग करने के लिए क्या कुछ किया होता है। कैसी हैं आप? मैं मुझे कहती है आपका नाम क्या, मैं कहा मैं इस क्लास का हूं ही नहीं। मुझे कहती है आप ही नहीं है ना। अब सीन ऐसा है कि इन्होंने कहा कि मुझे मॉडलिंग सिखाएंगी, अभी हमें बताने लगी हैं कि पोज कैसे करते हैं। यार क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी हाँ जी, ये देखो अभी ये मॉडलिंग सीखी है तो अभी ये ट्राई करने लगा,
ये देखो ये टीचर ऐसी मॉडलिंग सिखा रही है। चलो लेट्स स्टार्ट। अभी नई नई इन्वेस्टमेंट की हमने, पता नहीं लिए क्या बात है। अभी रात का टाइम है, टाइम 12:37 हो गए। ये कौन है मॉडल? पता नहीं कौन है। क्या बात है मसीहा, क्या बात है, क्या बात है। तो फिलहाल अभी हम मौजूद हैं जेजे, क्योंकि मसीहा साहब को भूख लगी हुई थी। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता, ये इंसान के रूप में ऊंट है। जैसे ऊंट पानी स्टोर करता है, मसीहा खाना स्टोर करता है। हाय 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 जी, ये मसीहा आ रही है। इधर भी व्लॉगिंग चल रही है। नहीं ये व्लॉगिंग चल रही है। क्या चल रहा है? स्नैपचैट। ओके, अभी बाबा बाहर ऑर्डर करने गया है और बारिश बड़ी हैवी हो रही थी। मुआज़ है पीछे, ठीक है। आपको क्या हुआ? मुझे तो कुछ नहीं हुआ यार। और ये बाबर साहब आ गए हैं। बाबर क्या ऑर्डर किया है यार? हमने मसीहा बर्गर ऑर्डर किए हैं और वैशी बर्गर ऑर्डर। हमने यहाँ से वैशी जिंगर मंगवा ली है और यार वो बड़ा हैवी होता है। ओह सॉरी, मसीहा जिंगर मंगवा लिया, काफी हैवी होते हैं। टेस्ट इंडीज गया था ना तब के, ये नाम सुना वैशी जिंगर। कौन गया था? मसीहा। रोटी आ चुकी है। उनकी जिंदगी में रोटी जरूरी है बहुत यार। रोटी खाते हुए कोई मोबाइल वगैरह यूज नहीं करते। तू बैठ जा, चल कैमरा बंद कर। ओके, अब मसीहा बर्गर खोलेंगे हम। आए क्या बात है, क्या बात, क्या बात है, देख लो फिर। कुछ चुभ पड़े हैं। अरे बाबर इधर आ। बाबर ये कौन है? मसीहा लग रहा है। बाबर है, मुझे तो बाबर। ओए उनकी गैंग है मसीहा, इसको बाइट भेज भी थी। चल जा बाबर, उतर जा तेरे। मसीहा इधर है। वे मसीहा के दोस्त भी खड़े कानों वाले हैं। तो आप मसीहा अंदर है भाई जान, सबको पता ही कौन है। वो पहचान रहा है, वो देख, सबको पता ही कौन है। मसीहा ही है। बाबर है, बाबर है। टाइम देख, टाइम देखो। क्या बात है, 118 क्या बात है, 118 क्या बात है। ओए हमारे साथ एक और बंदा था, वो मसीहे को उतार नहीं दिया उनके गैंग के साथ। अच्छा अंदर ही है। अच्छा यार वो भाई बहन भाई, क्या बात है, नशे लोग, क्या बात है, मीठा बहन है। गाइस रोटी हमने खा ली है, फिर रोटी के टच के साथ जिंदगी में बोतल का टच रोटी है। सही, हमने फिर फूल ली है और एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है एंड चाय पे ही होता है। 2:18 हो चुके हैं और मसीहा हमें अलविदा कह चुके हैं। पीछे मिस्टर बाबर एंड मिस्टर माज। माज माज क्या हुआ है? वो गलत मूवी देख रहा है। ये देखिए। अरे बंद क्यों कर दिया? अस्तगफिरुल्लाह। खैर चाय वगैरह पीते हैं और यहाँ से निकलते हैं और इसी नोट पे, इसी जगह पे चाय पीते हुए अभी चाय पीऊंगा। आज का लोग एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़। मेहनत हमारी, रहमत अल्लाह की, मोहब्बत आप लोगों की। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।